वेलकम यू ऑल टू यस टीवी और मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा। और दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ी हैं यमुनानगर की एकता शर्मा, जिन्होंने अपनी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कंप्लीट की है और साथ ही उनका नाम रिव्यू पेपर साइंटिफिक जनरल में भी आया है। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो एकता, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमें अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ बताएं। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एमएलएन कॉलेज से यमुनानगर से की है और मैं एमएससी भी यहीं से करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अपनी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो क्या ग्रेजुएशन के टाइम पर भी आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ी? ग्रेजुएशन के टाइम पे कुछ ऐसी खास डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह की हम बात करें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, तो वो थोड़ी एडवांस लेवल की एजुकेशन है और उसमें हमें काफ़ी बेहतर और एडवांस फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उस वजह से मैंने यहाँ से एमएससी नहीं की। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपनी फर्दर एजुकेशन यानी कि अपनी एमएससी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की, तो आपने वहाँ का अपना अकोमोडेशन किस तरीके से किया? मीन्स आप रेंट पर रहते थे हॉस्टल में, किस तरीके से आपने वहाँ पर सब कुछ अरेंज किया? मैं एक्चुअली कभी यहाँ से यमुनानगर से बाहर तो कभी गई नहीं, तो मेरे लिए वहाँ रेंट पर रहना शुरू में मतलब डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने हॉस्टल प्रेफर किया। और हॉस्टल में भी मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो कुछ अलग एक्सपीरियंस भी रहा और मतलब कि कुछ डिफ़िकल्टी भी थी, क्योंकि घर में जिस तरह हम रहते हैं वैसे हम हॉस्टल में नहीं रह सकते। जी, तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपके लिए यहाँ से निकल करके हॉस्टल में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? वहाँ हॉस्टल में सबसे पहले तो एक तो मेस की लंबी लाइन, सुबह जल्दी उठ के बस के लिए लाइन में लगना और वॉशरूम में भी लाइन लगती थी, तो घर पे हम तो बहुत इजीली तरीके से ये सब मैनेज कर सकते थे, लेकिन हॉस्टल में ये मैनेज करना आसान नहीं था। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा इंटरेस्ट ही बायोटेक्नोलॉजी में बनाया, तो आखिर ऐसा ही क्यों, बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मेरा एक्चुअली मैं शुरू से ही इंटरेस्ट बायोलॉजी में था और मैंने जब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा, न्यूज़ में देखा और इंटरनेट पे भी देखा, तो मुझे ये दिखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक न्यू फील्ड है और काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में, और मुझे हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती थी और साइंस साइड तो मुझे शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी में ही मतलब एक बार अपना लक आजमा के देखा जाए। तो आपको इससे स्टार्टिंग में ही मतलब बचपन से ही आपको स्टडी में इतनी रुचि थी, या टाइम के साथ साथ चलते चलते क्वालिफिकेशन के साथ साथ इंटरेस्ट इसमें और बनता रहा? बचपन में तो इतना कुछ खास नहीं था मेरा इंटरेस्ट, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो वैसे वैसे साइंस साइड देखी, कुछ अलग थी ये, तो यहाँ पे मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और इसी तरीके से धीरे धीरे मेरी रुचि इस सब्जेक्ट में धीरे धीरे बढ़ती रही और मैंने ये फील्ड चूज़ की। तो एकता, आप अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, टीचर्स को, खुद को या फिर अपने पेरेंट्स को? सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपनी मम्मी को दूंगी इसका, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और सेकेंडली मैं दूंगी अपने टीचर्स का, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हर पल गाइड करा, जहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई उन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट किया और मुझे वहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए कि मुझे ऐसे काम करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ये काम करना चाहिए। और उसके बाद मैं गॉड को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर उनके वो नहीं चाहते तो मैं आज यहाँ मुकाम पर ना होती। बिल्कुल, हर किसी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं और जब हमारा खुद का हार्ड वर्क होता है तो कोई हमें हरा ही नहीं सकता। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपके टीचर्स ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया, तो क्या ऐसा सचमुच में हर मुकाम पर हुआ कि आपको जब भी अपने टीचर्स की ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हुए? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे टीचर्स ने मुझे हर मोड़ पर सपोर्ट किया, मुझे कोई भी डाउट हुआ तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया उसे, और बिल्कुल, और ऐसा नहीं था कि मैं कभी उन्हें मतलब अगर मैं उन्हें शाम को या रात को भी कभी कॉल करती थी या मैसेज भी टाइप करती थी तो वो मुझे साथ के साथ रिप्लाई करते थे, उन्होंने मतलब मेरा काफ़ी हद तक साथ दिया। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका नेम रिव्यू पेपर साइंटिफिक रिसर्च में किस तरीके से आया, आपने उसके लिए क्या क्या मेहनत की?
सबसे पहले तो मुझे रिव्यू पेपर के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था। तो मैंने अपनी टीचर से जिस तरह पूछा कि मुझे कैसे करना है, उन्होंने मुझे बताया, तो धीरे धीरे स्टेप्स मेरे आगे आगे बढ़ते गए और मेरा रिव्यू पेपर कंप्लीट होते गया। हालांकि जब फाइनल स्टेज आने लगा तब मुझे काफ़ी मुझे लगा कि मेरा रिव्यू पेपर सही नहीं होगा, कुछ गड़बड़ होगी। तो लेकिन जब मेरा रिव्यू पहली बार में ही मैडम ने देखा तो मैडम को भी काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कहा कि हम इसे पब्लिश करने के लिए भी दे सकते हैं। तो मैम ने वो चीज़ तो मैम ने उसमें काफ़ी हेल्प करी और मुझे जहाँ तक याद है मैम ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि हम इसको पब्लिश करने के लिए तो देंगे, लेकिन मैं ये बात क्योंकि अब मैं आगे पढ़ाई कर रही थी और आगे नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग से ये बात स्लिप हो गई थी। लेकिन जब मुझे मेरी मैडम का मैसेज आया कि मेरा रिव्यू पेपर पब्लिश हो गया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप आगे फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करना चाहती हैं, क्या आगे आप फ्यूचर में अपने करियर को किस ओर लेकर जाना चाहती हैं? फ्यूचर में भी मैं इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं PhD बायोटेक्नोलॉजी करना चाहती हूँ और इसी फील्ड में आगे जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एडवांसमेंट्स हो रही है उनको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और उसमें अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो एक तब मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे यस टीवी के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को मैसेज दें कि अगर हम ठान लें कुछ भी हमारे अंदर पैशन हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और कुछ भी काम डिफ़िकल्ट नहीं होता। जी हाँ, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो आप उसको पूरा करके दिखाइए। और मैं सभी फैमिलीज से ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, क्योंकि आगे चल के यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इसी और इसी से हमारा भविष्य काफ़ी बेहतर और उज्ज्वल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एकता आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे यस टीवी को दिया। थैंक यू सो मच। देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।